गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी। और मेरा नाम है सरफराज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएफजे व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बाइक जो कि बहुत रेयर है, जो आई थिंक पूरे इंडिया में 10 ही बाइक्स होगी। आप मुझे बताइए कि आपने कितने तरह की बाइक्स को देखा है, लाइक सुपर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक, विदाउट क्लच वाला बाइक एंड मैनी मोर। यू कैन सी दीज बाइक एवरीवेयर, बट इंडिया की टॉप 10 रेयरेस्ट बाइक में से एक रेयरेस्ट बाइक है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, जो कि है दी फेमस जेम। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने खड़ी है दी फेमस जेम्स विलियर्स, और इसके अंदर हैंड गियर होते हैं, जो कि बहुत रेयर बाइक है इंडिया में। और पूरे इंडिया में आई गेस 10 बाइक्स ये अवेलेबल है। और इसका इंजन कैपेसिटी है 125 cc 2 स्ट्रोक्स। और ये इसका आप देख सकते हैं फ्रंट से, इसमें सस्पेंशन भी इसका हैंडल बार में होते हैं, जो कि स्प्रिंग वाला है। ये जेम्स विलियर्स से सेकंड बाइक, और ये पूरी रेयर एंड ओरिजिनल कंडीशन में है, पूरा जैसा पहले होती थी। और ये बाइक है 1940 की, 1940 में इस तरह की बाइक्स चला करती थी। अभी भी बहुत कम मतलब यूज़ नहीं हो पाती ये बाइक्स, क्योंकि इसको चलाना अभी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये विंटेज बाइक्स है। इसका गियर शिफ्टिंग बहुत ही मज़ेदार है, बिकॉज हैंड गियर है पूरा कार की तरह, जैसे कार में अपन प्लस दबा करके गियर लगाते हैं, बट इसमें बाइक्स में पैर से नॉर्मली क्या होता है, बाइक में पैर में गियर होता है, मतलब अपने पैर से गियर लगाते हैं, इसमें अपन को हाथ से गियर लगाना पड़ता है। और इसकी कंडीशन काफ़ी मेंट है, उसमें लॉकिंग का कोई सिस्टम भी नहीं आता है। तो अभी इसका आपको गियर सिस्टम भी आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट गियर होता है इसका आगे, बीच में न्यूट्रल, देन सेकेंड, देन थर्ड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इधर लिखा हुआ। और इसके बाद इसमें भी सेम फॉर्मेट है, मतलब मुझे नहीं लगता कि और किसी बाइक में ये सिस्टम आता होगा गियरिंग का। और ये काफ़ी अच्छी स्मूथ चलती है, मैंने बहुत चलाई इस बाइक को, मज़े आते चलाने में। और पावरफुल इतनी नहीं है, बिकॉज 125 cc और 1940 की बाइक है। तो और इसमें किल स्विच की जगह एक लीवर दिया है, जिसको लीवर अपन दबा देंगे, प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी इंजन। और इसमें एक हेडलैम्प होता है, जिसका स्विच ऊपर हेडलैम्प के ऊपर ही होता है, वो बैटरी से कनेक्ट होता है या बाइक जब चलेगी तो वो काम करता है। मुझे बताना था कि आपको रेयरेस्ट बाइक इंडिया के बारे में, कि इंडिया में कितनी रेयर रेयर बाइक अभी भी है, मौजूद है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर खत्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ध्यान रखिए अपना।